हिंदी में हम बोलते हैं ना कि इस चीज के पीछे पागल है, अरे ये तो फोन के पीछे पागल है, ही इज क्रेजी अबाउट दिस फोन। यानी आप कह रहे हैं कि उसे ये फोन इतना पसंद है, वो हर वक्त इसी में कुछ ना कुछ करता रहता है, तो इसका मतलब ही इज क्रेजी अबाउट इट। ओके, आप इसमें मैड भी बोल सकते हैं, आई एम मैड अबाउट फुटबॉल, मुझे फुटबॉल का भूत चढ़ा हुआ है, मैं उसके पीछे बिल्कुल पागल हूँ, आई एम मैड अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पर एग्जैजरेट कर रहे हैं इनफॉर्मल सिचुएशन में। इनफॉर्मल मतलब कैजुअल तरीके से, अपने ऑफिस में अपने बॉसेस को मत बोलना कि आई एम मैड एंड क्रेजी, थोड़ा सा गलत जाएगा। तो आप क्या बोल रहे हैं, आई एम मैड, आई एम क्रेजी, इसका मतलब आपको ये चीज इस हद तक पसंद है कि आप उसके पीछे पागल हैं। यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी अपनी चीज जिसके पीछे आप बहुत ज्यादा पागल हैं, जिसके आप फैन हो। ओके, आई एम फॉन्ड ऑफ, ये फॉन्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में फॉन्ड वर्ड का मतलब होता है जब आपको किसी चीज का शौक हो, शौक मतलब आपको वो करना अच्छा लगता हो, आपकी हॉबीज जो होती हैं, आप अपने फ्री टाइम में करते हैं, राइट, ऐसा होता है ना, तो आप क्या यूज करते हैं उसके लिए, यू यूज आई एम फॉन्ड ऑफ। ये वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम फॉन्ड ऑफ, यहाँ पर आप ऑफ के बिना यूज नहीं कर सकते। जब भी आप फॉन्ड शब्द का इस्तेमाल ये बताने के लिए कहते हैं कि मुझे इस चीज का शौक है, मुझे ये चीज पसंद है, तो आप ऑफ का इस्तेमाल जरूर करेंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ माई जॉब, मुझे मेरी जॉब बहुत पसंद है, मुझे अपनी जॉब में बहुत अच्छा लगता है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज, मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ माई ब्रदर, आप इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक पर्सन के लिए भी, आई एम फॉन्ड ऑफ माई ब्रदर, यानी कि मुझे वो पर्सन बहुत पसंद है। यहाँ पर शौक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कि दे आर रियली नाइस टू यू, वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए आपने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ माई ब्रदर, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। अगर आप किसी को बोलते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ यू, तो इसका मतलब आप उनको बोल रहे हैं कि मुझे आप पसंद हैं, यानी कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना अच्छा लगता है। सो आई एम फॉन्ड, लेकिन इम्पॉर्टेंट इज ऑफ, आप ऑफ के बिना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, जब भी आप अपनी लाइक्स के बारे में बात करें, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और तरीका, ये बहुत अनकॉमन है, बहुत सारे लोगों को यूज करते हुए नहीं सुना होगा, आई एम कीन ऑन, यहां पर भी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम इसका इस्तेमाल लाइक्स बताने के लिए नहीं कर सकते। आई एम कीन ऑन, ये कीन शब्द का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में कीन शब्द उस पर्सन के लिए या उस चीज के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ही उत्सुक हो, किसी चीज को जानने के लिए, किसी चीज के लिए बहुत ईगर हो, उतावले हो बिल्कुल, तो उसके लिए हम बोलते हैं कीन। तो अगर आप किसी चीज को करने के लिए उतावले हैं, आपको बहुत ज्यादा उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है, तो आप बोलेंगे आई एम कीन ऑन, ठीक है। अब ऑन के बाद आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई एम कीन ऑन गोइंग ऑन ट्रिप्स, मुझे ट्रिप्स पर जाना, घूमने फिरने जाना बहुत पसंद है। आई एम कीन ऑन म्यूजिक, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, एक्साइटिंग लगता है मुझे, बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो ये प्रेपोजिशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑफ इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर ऑन इम्पॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो ये थे कुछ तरीके जो आप अपनी लाइक्स के लिए यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़े से अनयूजुअल फ्रेजेस बताऊंगी। ओके, वेल फॉन्ड के बाद ऑफ का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इंग्लिश का रूल है। वेल लेट मी टेल यू समथिंग, समटाइम्स इंग्लिश में ग्रामर में कुछ यूज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि मुझे इस चीज का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ, मुझे म्यूजिक का शौक है, तो ये जो का वर्ड है, आपने यहाँ क्या बोला हिंदी में, मुझे म्यूजिक का शौक है। अगर मैं यहाँ बोलूँ मुझे म्यूजिक शौक है, तो आपको समझ में आएगा, कुछ अटपटा लग रहा है ना, सेंटेंस ठीक से समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, अधूरा सा लग रहा है, तो ये जो का वर्ड है ना, यही ऑफ होता है। आई एम फॉन्ड ऑफ, मुझे इस चीज का शौक है, मुझे ये करने का शौक है, ठीक है। तो हम इसी को ट्रांसलेट करते हैं ऑफ के साथ। ओके, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ऑफ का इस्तेमाल करें, आप उसके बिना यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सेंस नहीं बनेगा। अगर आप बोलेंगे आई एम फॉन्ड म्यूजिक, नहीं,
फोन शब्द का इस्तेमाल ऑफ के बिना दोस्तों तब किया जाता है जब आप इसको एज एडजेक्टिव यूज कर रहे होते हैं। एडजेक्टिव कैसे यूज करेंगे? नाउन से पहले। मैं आपको कुछ कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ही नॉर्मल एक एग्जाम्पल है। हम बोलते हैं फॉन्ड मेमोरीज, यानी कि पुरानी अच्छी यादें, हमारी जो अच्छी यादें हैं पुरानी, फॉन्ड मेमोरीज। तो यहाँ पर हमने ऑफ नहीं लिखा क्योंकि हमने ये नहीं बोला अच्छी की यादें, आपने बोला अच्छी यादें, तो फॉन्ड मेमोरीज। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे इस चीज का शौक है तो फॉन्ट ऑफ, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल करना इज इम्पॉर्टेंट। इसी तरह कीन ऑन में ऑन का इस्तेमाल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए लेट्स गेट बैक टू आवर लाइक्स। तो अब मैं आपको बताऊंगी तीन ऐसे फ्रेजेस जो बहुत ही कॉमन नहीं है, जो शायद आप सबको बोलते हुए नहीं सुनते, लेकिन अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे आई गारंटी यू आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रेसिव साउंड करेगी। चलिए मेरे साथ सीखिए, ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाने पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए। ओके, पीडीएफ में आपको ये सब मिलेगा। आई वॉज क्वाइट